अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्ट करे। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है। तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेच रहा है? 18-25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है, और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है सर। और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। क्योंकि आदमी है तो थोड़ा जी, अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई तू क्या करेगा, कर ले अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? #StopVivekBindra रोको इसको भाई। हेलो एंड वेलकम टू द 2.0 पॉडकास्ट, द ओनली पॉडकास्ट दैट इज कवरिंग दिस कंट्रोवर्सी बिटवीन संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। अब रात के बज रहे हैं 3 और हम बैठे हैं आज आकलन करने संदीप माहेश्वरी के रिप्लाई का। 2 दिन पहले आपने देखा डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने ऊपर लगी सभी एलिगेशंस पर एक सफाई, जो कि इट वॉज मोर ऑफ अ रिटेलिएशन देन एन एक्सप्लेनेशन। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों को एड्रेस तो किया, बट अल्टीमेटली उस पूरे वीडियो की थीम, जैसा हमने आपको अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया, जिसका बाय द वे लिंक यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, यू विल अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी सो फार। और आज की रिप्लाई में तो संदीप माहेश्वरी ने उनकी एलिगेशंस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की संदीप माहेश्वरी के ऊपर जो एलिगेशंस थी पिछले वीडियो में, उनको न सिर्फ एड्रेस किया बल्कि कैसे वो एक स्कैम है जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा डिफेंड करते पाए गए थे पिछले वीडियो में, आज उन्होंने बहुत सारी ऐसी लेयर्स खोली और बताया कि ये एक स्कैम है। तो आज़ाद तुमको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो भाई ऐसा फील हो रहा है कि मेरी खुद की नींदे जो हैं वो एकदम होश उड़ गए हैं, और 3 बजे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 3 बजे हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड ये हूँ कि जो आंसर सामने से आया है और जिस तरह से संदीप माहेश्वरी जी ने एक ये रिप्लाई दिया है, मतलब बिल्कुल तरीके से एक एक वर्ड का, एक एक क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है, वो बहुत जबरदस्त बाउंस बैक है उनकी तरफ। मतलब विवेक बिंद्रा ने पूछा था कि संदीप माहेश्वरी जी से कि ये स्कैम कैसे है, इसको आप बताइए कि भाई मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ किसी को और वो सामने से आ रहा है, वो ले रहा है वो प्रोडक्ट और उससे वो पैसा भी कमा रहा है, वो भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, तो ये स्कैम कैसे हुआ? तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली एक एक चीज उन्होंने डिफाइन की है, चाहे वो RBI की गाइडलाइन से हो, चाहे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे हो, कि किस तरह से ये एक स्कैम है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये डिफाइन भी किया कि भाई अगर आपका कोई फ्लॉड प्रोडक्ट है या सर्विस है और आपका जो कस्टमर है वो डिससैटिस्फाइड है और वो आपके पास आ रहा है और अपने पैसे वापस मांग रहा है, तो आप उससे ये कह रहे हैं कि आप इसी प्रोडक्ट को 10 और लोगों को बेची और वो 10 जो है वो आगे 100 और ऐसे लोग बनाएंगे, जो वो पूरी चेन जो है वो डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स की बन रही है। और जबकि उस कंपनी को मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉड है और इससे बेनिफिट होगा सिर्फ मुझे होगा, और जो कस्टमर्स हैं वो मतलब दे विल ओनली सल्क कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसका उनको रिटर्न नहीं मिल पाया, उल्टा एफर्ट भी उनको करना पड़ रहा है उसको आगे सेल करने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने बताया ये स्कैम है, और इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 2 वीडियोज दिखाए। सबसे पहला दिखाया जिसमें एक बंदे ने कहा मुझे 1 लाख का लॉस हो गया और एक मेरा अग्रीमेंट हुआ था उनके साथ, कंपनी के साथ, जहां पर उन्होंने 40,290 रुपीज के आसपास एक अमाउंट रिटर्न करने को बोला था, जो कि रिटर्न नहीं हुआ,
और उन्होंने इवेंचुअली ये बोला कि भाई आप हमारे क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते हैं, और इवेंचुअली हमारा कोई सीनियर आपसे बात करेगा, और उसका भी कोई कभी कॉल नहीं आया। तो वो हेल्प मांग रहा था संदीप महेश्वरी से। और उसके अलावा एक उन्होंने और वीडियो दिखाया जिसमें एक बंदा तो बिल्कुल ही सुसाइडल हो गया था, मतलब उसने तो ये कहा था कि अगर मुझे इसका जो वो है पैसा वापस नहीं मिलता है, जो कि मैंने और लोगों से लेकर किया है, उनका बहुत प्रेशर है पैसा वापस करने के लिए, तो अगर इसका कुछ नहीं होता है आगे इस केस का, तो मुझे फिर सुसाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने 10 से 12 वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि कितना मतलब सीरियस हैं लोग उसके डिससैटिस्फैक्शन से, और कहां कहां से वो पैसे लाए, किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने अपनी जो गाड़ियां हैं वो बेची, किसी ने मतलब बैंक से लोन लिया और फिर ये कोर्स किया, और उन लोगों का ये हाल है। ये सारे एलिगेशंस हैं जो अभी भी संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा पे लगा रहे हैं। तो अब आगे क्या मोड़ ये कंट्रोवर्सी लेगी, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। हाँ नहीं, देखो इसमें मैं देखता हूँ दो तरह से ये लड़ाई हो रही है। हमने अपने कल के पॉडकास्ट में भी बड़ा क्लियरली एक जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया था वो था कि आइडियली तो जो मेन मुद्दे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के रिलेटिंग टू द आईबीसी एंड द लूप होल्स थेरऑफ, उनको दोनों को साथ में मिलके डिस्कस करना चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके रेजोल्यूशन निकाल के उनको सॉल्व करके मैनर को वही क्लोज कर देना चाहिए, बिकॉज यू नो नोबडी वॉन्ट्स टू सी दिस अगली फाइट हैपनिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन क्योंकि कल के वीडियो में जब हमने रिपोर्ट किया पूरा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का रिप्लाई, उसमें देखा कि बहुत सारे पर्सनल अटैक्स उन्होंने संदीप माहेश्वरी के ऊपर, आज का रिप्लाई अगर तुम देखो संदीप माहेश्वरी का तो वो उससे भी 21 है। तो अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेटली अब ये लड़ाई थोड़ी पर्सनल लेवल पे भी चल रही है, लेकिन इस पर्सनल लड़ाई के चलते कुछ ऐसे इंट्रिकेट एस्पेक्ट्स पूरे इस सो कॉल्ड स्कैम के, पोटेंशियल स्कैम के सामने आ रहे हैं, विच आई थिंक इज वेरी गुड। बट एज फार एज द पर्सनल अटैक गोज, आज संदीप माहेश्वरी पाए गए उनकी डॉक्टरेट की डिग्री को ही क्वेश्चन कर रहे। इनफैक्ट उन्होंने एक स्निपेट दिखाया, एक स्क्रीनशॉट दिखाया, जहां पर इंसिनुएट या कटाक्ष करते हुए वो पाए गए कि ये डिग्री सिर्फ है वो श्रीलंका से शायद 3 लाख रुपए में खरीदी गई है। इस तरह के कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पर अपेरेंटली यू नो मुझे तो नहीं पता था, एटलीस्ट सपोज न्यूज मी, कि आप एक डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो कुछ पैसे के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने चैलेंज भी किया कि मैंने रिसर्च की है थोड़ी, और हमारी टीम को तो कहीं पता ही नहीं चल पाया कि आपने डिग्री हासिल कहां से की। राइट, मैं अपने नोट्स भी देख रहा हूँ वहां पर, उन्होंने एक्चुअली बोला था कि कहीं से भी इनकी कोई डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो लेजिट नहीं दिखती है अलेजिटली, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। पर उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया जो कि था अबाउट द होल एमएलएम थिंग। इनफैक्ट उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग को भी इसका एक पार्ट बताया, नॉट दैट ही पॉइंटेड आउट अफिलिएट मार्केटिंग टू बी समथिंग व्हिच इज इन इटसेल्फ अ स्कैम, लेकिन उनका कहना यह था कि अफिलिएट मार्केटिंग और जो एमएलएम होती हैं, पिरामिड स्कीम्स होती हैं, चेन स्कीम्स होती हैं, इस तरीके की ईच वन टीच टू टाइप ऑफ जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, उसमें अफिलिएट मार्केटिंग को एक लूपहोल के तहत अंजाम दिया जाता है, जिसको उन्होंने पूरा समझाया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने आरबीआई के और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के कुछ सर्कुलर्स, कुछ रूल्स गाइडलाइंस भी दिखाए हैं, जिसका लिंक हम भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा देंगे, जो संदीप माहेश्वरी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और उन्होंने पॉइंट आउट किया वो पर्टिकुलर सेक्शंस जो बताते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग अगर बिजनेस में हैं तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है फॉर इट टू बी नॉट कॉल्ड अ स्कैम, जो अपेरेंटली डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मॉडल में सेटिस्फाई नहीं होती है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एनालॉजी दी कि बड़ी फनी सी एनालॉजी थी कि अगर चोरी के लिए रोड बनाया जाए कि दरवाजा तोड़ के आप अंदर नहीं जा सकते, तो आप अगर खिड़की तोड़ के चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बट मैंने तो रोड को वायलेट नहीं किया, लेकिन चोरी तो वो फिर भी है। और इस तरीके से उन्होंने बेसिकली जो इंसिन्यूएट किया वो ये किया कि आप बेशक इसको अफिलिएट का नाम दे दें, लेकिन अगर ये
आप ऐसा एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो है, और उसको फिर अपने अफिलियट्स के थ्रू फर्दर अफिलियट्स, जैसा तुमने बताया कि आगे और बढ़ाते जाइए और बेचते जाइए और उस पर कमीशन कमाते जाइए, ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है लेकिन आपने उसको एक एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पॉइंट पे सेल किया है, तो वो भी सवालिया उस निशान उसके ऊपर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो उसके साथ ही साथ जो हमने पिछले वीडियो में अपने कवर किया था और क्वेश्चन किया था कि विवेक बिंद्रा जो हैं वो आंसर तो कर रहे हैं क्वेश्चन सारे, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना 10 डेज का एमबीए प्रोग्राम, तो बड़ा ही मतलब करेजियस बात थी भाई वो, कि एलिगेशंस का आप जवाब भी दे रहे हैं और वहीं के वहीं उसको एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी समझ रहे हैं, तो वो चीज थी। लेकिन वो आज संदीप महेश्वरी ने भी वही सेम चीज पॉइंट आउट की कि आप क्या वैल्यू दे पाएंगे, 10 दिन का आप एमबीए क्लेम कर रहे हैं तो जो दो दो साल लोग पढ़ते हैं इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में, इतने लोग कैट का एग्जाम देते हैं, जी मैट देते हैं और मैट देते हैं, आईएम्स जाते हैं और कहां कहां, तो आप मतलब क्या क्लेम कर रहे हैं कि आप 10 दिन में, मतलब आपको अगर बनना हो एमबीए करना हो तो भाई कौन सामने आ गए, विवेक बिंद्रा जी 10 वीडियोस दिखा दी उन्होंने और आप एमबीए बन गए, है ना? तो अंडरटोन हास्यास्मक संदीप, उनकी उनकी बड़ी फनी और इंसिनुएटिंग अंडरटोन थी, काफी बीरेटिंग अंडरटोन थी, लेकिन पर्सनल एक अटैक को साइड पर रख भी दिया जाए तो यार बात तो बिल्कुल ठीक थी, और कल हमने इसके बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। बाय द वे अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, और वहां पर 10 डे एमबीए क्यों एक गिमिक से ज्यादा कुछ नहीं है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको आप जरूर देखिए। बट हाँ, आज संदीप महेश्वरी उसको बस्ट करते हुए पाए गए। अलावा इसके और इसके अलावा जो उन्होंने मेन बात जहां से शुरू भी किया था वीडियो, अगर तुम देखो पूरा उनका वीडियो, वो एक ही बात को बोलते रहे जो अगेन हमने कवर किया भी था उस वीडियो में, इनफैक्ट काफी यूट्यूबर्स जो हैं और काफी न्यूज चैनल्स जो है वो उस बात को कवर कर रहे हैं कि इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, और वही हमने कल कहा था कि द की पॉइंट, मुझे याद है मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना वो जो एक पॉइंट मैंने बोला था, द की पॉइंट इज बट संदीप महेश्वरी नेवर टुक विवेक बिंद्रा से, और आगे से जाके जिसको हम अगर थोड़ी सी देसी भाषा में बोलें तो पड़ी हुई लकड़ी ले जिसको कहते हैं आबेल मुझे मार, यू नो अंग्रेजी में कहूं तो टू शूट वन्स ओन फुट, वो वाला काम मुझे लगता है हो गया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। और इस समय संदीप महेश्वरी जो है वो इज जस्ट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी अभी विवेक बिंद्रा इसको कैसे काउंटर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोज की बात संदीप महेश्वरी ने की, फैक्ट वो वीडियोस चलाए और दिखाए लाइव ऑडियंसेस को, उस वीडियो में भी दिखाया है जहां पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा टाइम एंड अगेन कैटेगोरिकली कंस्पिक्यूअसली साफ साफ शब्दों में ये कहते पाए जा रहे हैं कई सारे वीडियोस में कि अगर आप 10 लाख रुपए 3 महीने में नहीं कमाते हैं तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो इतनी बड़ी मनी बैक गारंटी उन्होंने दी है, जबकि अपेरेंटली मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो आईबीसी में एनरोल्ड थे उनके रिफंड्स नहीं मिले हैं डिस्पाइट देयर टेस्ट एंड डिससैटिस्फैक्शन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट दे हैव रिसॉर्टेड टू। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या जवाब लेकर आते, और एक सेक्शन की उन्होंने पर्टिकुलर बात की जो अगर मेरी नॉलेज सही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का था, सेक्शन 2E जिसमें लॉ ऑफ द लैंड की उन्होंने बात की। तो जिस बंदे का तुमने जिक्र किया जिसका वीडियो दिखाया था उसका ग्रीवेंस ये था कि उसने एक अग्रीमेंट साइन किया जो फोर्सफुली उसको कराया गया, और इस झांसे में कराया गया कि आप इस अग्रीमेंट को साइन कीजिए और उसके बाद आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा, एंड इवेंचुअली यू नो इट फेल ऑन डेफ ईयर्स, कोई उसको रिफंड नहीं मिला। तो कई लोग क्या है ना हसन, हमें समझना पड़ेगा कि एक तो अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं लॉस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, और जो अवेयर होते भी हैं रिमोटली भी
वो यार इसको ऐसा डेटरेंट लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि पता नहीं होता है कि लॉस को आप एक्सरसाइज करके अपने राइट्स को पूरी तरह से मतलब एक्सरसाइज करते कर सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। तो आज संदीप माहेश्वरी ने क्लैरिफाई किया है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पर ये यू नो इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, जहां पर कि अगर किसी भी तरीके की पॉलिसी स्कीम, किसी भी तरीके की स्कैम्स है ना, या इस तरह की कोई भी फ्रॉड्स जो होते हैं, वहां पर आपको किसी भी टाइप का अग्रीमेंट साइन अगर करवाया भी जा रहा है तो वो वैसे भी सुपरसीड हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज समथिंग दैट इज फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्कैम पोटेंशियली। और यहाँ पर विवेक मित्रा के आईबीसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इट इज जस्ट अ जनरल पॉइंट। संदीप माहेश्वरी ने उसके और दूसरे एग्जाम्पल्स दिए प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका प्रोडक्ट या सर्विस ही अपने आप में क्वेश्चनेबल है किसी तरीके का अग्रीमेंट साइन कराती है और आप इस डर से उसको साइन नहीं कर रहे हैं कि कल को इट कैन बी हेल्ड अगेंस्ट यू, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज अल्टीमेटली वो एक स्कैम ही है। तो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स यू साइन, यू आर स्टिल प्रोटेक्ट। तो ये उनकी बात का एक जिस्ट था। उन्होंने बताई कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स अबाउट दिस होल यू नो सो कॉल्ड फियास्को, कैसे उसको कैलकुलेशन उन्होंने पूरी बताई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग थी वो कैलकुलेशन। हाँ नहीं, मैथ्स पे आएंगे अभिषेक, उससे पहले देखो विवेक बिंद्रा ने एक काफी टॉल क्लेम किया था कि भाई ये 20,000 रुपए पर पिक्चर जो है वो लिया जाता है, और ये तो कहते हैं कि भाई मैं किसी अपनी ऑडियंस से कोई एक भी पैसा नहीं लेता। तो उस पूरी मतलब गैदरिंग में उन्होंने ये पूछा कि भाई मैं क्या आपसे किसी से पैसा लेता हूँ, क्या मैंने आपको 20,000 रुपए में कोई पिक्चर बेची है? तो उन्होंने बताया कि 20,000 की पिक्चर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो लेते हैं मुझसे, और अगर इस तरह का जो सेटअप जिसमें मैं बैठा हूँ वो कॉर्पोरेट्स मेरे लिए बनाएंगे तो भाई 10-10 लाख का उनका खर्चा आएगा, ठीक है? तो 10 लाख के उनके खर्चे के बजाय मैं उनको 20,000 में वो देता हूँ, तो उनका कितना बेनिफिट हो गया, ठीक है? और वो 20,000 मुझे मिले तो मेरा बेनिफिट हो गया, तो इस चीज को बिजनेस कहते हैं। तो उसमें ऐसी क्या मैंने गलती कर दी या कोई गलत बात है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? ठीक है, तो कोई गलती भी नहीं करी, असल कोई गलती भी नहीं करी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है, आप देखिए विवेक बिंद्रा ने ये पॉइंट संदीप माहेश्वरी का 20,000 का पिक्चर बेचने वाला जो एक कटाक्ष मारा था अपने रिप्लाई, वो उन्होंने इस चीज पे बेस किया कि आप मेरे प्रोडक्ट को 50 रुपए का बता के मैं 50,000 का बेच रहा हूँ और उसको स्टैप दे रहे हैं, लेकिन आप जो है ये कहने के बावजूद या डिक्लेयर करने के बावजूद, प्लेज लेने के बावजूद कि मैं एक नॉन प्रॉफिट चैनल हूँ और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, और आपसे 20,000 रुपए 9 लाख रुपए 36 लाख रुपए चार्ज कर, तो उनका प्लेज तो अगर आप फैक्चुअली देखें तो अपनी जगह पर, उन्होंने प्लेज किया था यूट्यूब चैनल के लिए, जिसके लिए अभी थोड़ा आगे हम और डिस्कस करेंगे, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली है, और आई रियली वॉन्ट टू सी ऑडियंसेस रिएक्शन ऑन हाउ ऑडियंस इज गोइंग टू फील अबाउट इट, बट उनका उनका प्लेस जो था वो अपनी जगह इंटैक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ। उन्होंने जैसा तुमने सही कहा, जिससे भी चार्ज किया वो सक्षम भी है, और वो एक बिजनेस मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है किसी भी गरीब से, किसी भी ऐसे इंसान से या ऐसे कस्टमर से जो उनका टारगेट कस्टमर है ही नहीं, उससे कभी कोई वैसा उन्होंने पैसा चार्ज नहीं कराया। वरना यूट्यूब तो सबके पास अवेलेबल है, आप प्लेटफॉर्म है और आप बोल सकते हैं, तो ऐसे आपको वीडियोस मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, नहीं कभी नहीं, so नहीं कभी कभी नहीं किया। जो जो देखो दे सकते थे, जिनके अंदर पोटेंशियल था, अलोंग हिज जर्नी अगर उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कुछ, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है, वो कोई स्कैम नहीं है उनका, और राइटफुल मनी है जो वो कमा रहे हैं और जो भी कॉर्पोरेट्स हैं वो उनको दे रहे हैं। उसके अलावा देखो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने ये बताई है इसमें कि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कि आप अगर ऐसा एमएलएम टाइप का कोई भी बिजनेस आपको दिखता है, उस तरह का स्ट्रक्चर लगता है एंड यू आर डिससैटिस्फाइड, तो आप बकायदा जाकर उसकी एफआईआर कर सकते हैं, एक पुलिस कंप्लेन आप जो स्टेट पुलिस है, विद दैट पुलिस यू कैन लॉज दैट, ठीक है?
इसके बायबैक के बकायदा पॉलिसी है, आरबीआई ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ फ्लॉड आप प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी कंपनी निकालती है जिससे बहुत एक लार्ज ऑडियंस जो है, ठीक है, 90% 95% 99% लोग अगर डिससैटिस्फाइड हैं तो आपको वो बाय बैक करना पड़ेगा इनटू द मार्केट, ठीक है। और जिस स्टेट में उन्होंने टर्म यूज किया था, आई थिंक मैंने कहीं नोट भी किया था वो, एंड दैट इज अ लीगल टर्म, हां, सो डेफिशिएंट सर्विसेज, या अगर डेफिशिएंट सर्विसेज हैं, कोई भी ऐसी सर्विस है जो कि इट इज नॉट sufficient enough to provide values for दूसरे हाँ, और देखो अगर इतनी बड़ी 90% 95% audience उसको वापस कर रही है या dissatisfied है, नहीं लेना चाहती है, तो वो वैसे भी deficient हो गया, चाहे वो service हुआ चाहे वो product हुआ, और वो फिर ये देखती है कि भाई उसकी जैसे अगर resell value क्या है, ठीक है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई आप खरीदो और आगे बेचो, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको ये कोर्स मिला, ठीक है, आपने 50,000 का खरीदा, लेकिन आपसे आगे ये भाई कितने का कोई खरीदेगा, तो कोई 1,000 में खरीदेगा, कोई 500 में भी खरीदेगा, तो लोगों ने जितनी भी ऑडियंस थी वहां पे बैठी हुई, उसने कहा कि कोई कुछ भी नहीं देगा इसका, तो इसकी वैल्यू एक तरह से जीरो है ना, जीरो वैल्यू पे काम हो रहा है, और जीरो वैल्यू की चीज को 50,000 पे बेचा जा रहा है, विच इज हाउ इट इज अ स्कैम, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये मैथ्स भी बताई इस चीज की, और उन्होंने बताया कि भाई अगर जो विवेक बिंद्रा क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए और आपको 1,000,000 पर मंथ की अर्निंग होगी, और नहीं होगी तो पैसा वापस, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर एक बंदा जो कि 1,000,000 रुपए कमा रहा है महीने का, तो साल में वो आईबीसी जो है उनके साथ जुड़ा हुआ वो 1 करोड़ बना लेगा, और उनके अगर ऐसे आगे जाकर 1,00,000 आईबीसी हैं, तो उन सब आईबीसी को मिला के 1,00,000 करोड़ पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपनी खुद की भी, उनकी जो विवेक बिंद्रा की कंपनीज का जो टर्नओवर है वो कितना है, तो वो आया उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो दैट वाज 172 करोड़, तो 172 करोड़ का 30% भी उन्होंने अगर अपनी आईबीसी को दिया, मतलब के 50 करोड़, तो उसके हिसाब से सिर्फ 50 आईबीसी जो है उनको एक तरह से वो पैसा मिल पाएगा, 50 आईबीसी इसमें से सैटिस्फाइड हैं, तो 99.5% जो आईबीसी हैं उनको एक तरह से कुछ मिला ही नहीं और वो डिससैटिस्फाइड है ना। तो इतना बड़ा अगर पूल है लोगों का, तो फिर भाई इवेंचुअली वही होगा कि डिससैटिस्फाइड लोग होंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में किसी ना किसी जरिए वो बात बाहर आनी थी और वो आ गई। तो खैर फाइनली यार उन्होंने जो लास्ट का पार्ट था, आई थिंक ही जस्ट सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, और लास्ट में उन्होंने एक धमाका सही कर दिया, बिकॉज इस पूरे वीडियो को समराइज उन्होंने ऐसे किया कि लोगों को दो टाइप के लोग उन्होंने आइडेंटिफाई करे इस सो कॉल्ड स्कैम से रिलेटेड, पहला तो वो जो इसके शिकार हो चुके हैं और दूसरे वो जो इसके शिकार नहीं हुए। तो जो हो चुके हैं उसके लिए उन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस बताया है, आई थिंक legal@sandeepmaheshwari.com, जिस पर उन्होंने इनवाइट किए हैं जिस तरीके के ग्रीवेंसेस जिसको हैं, तो वो अपनी डिटेल्स उनको भेजें, अपनी डेट्स भेजें, कितना उनके साथ रिफंड जो है वो पेंडिंग है, स्टफ लाइक दैट, जिससे कि वो उसकी हेल्प कर सकें। और दूसरा इसी ऐसी तरह के लोगों को उन्होंने बताया कि आप आरबीआई को लिखिए, लेटर्स लिखिए, बाकायदा फिजिकल लेटर्स लिखिए, और उसमें अपने पेमेंट प्रूफ्स लगाइए, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को उसकी एक कॉपी भेजिए, और इस तरीके से जब मैसेज एक ग्रीवेंस रेज करते हैं वो भी रिटर्न में इन अथॉरिटीज को पैन इंडिया लेवल पे, तो तब ये एक रेवोल्यूशन बन सकता है, और इन सभी को इनका जो इनके साथ जस्टिस है वो हो सकती है, ऐसा उन्होंने पहला सोल्यूशन बताया, विच आई थिंक इज फैंटास्टिक, बिकॉज अगर ये वाकई कोई भी मिसअप्रोप्रिएशन इसमें है तो एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट पीपल डिजर्व जस्टिस, तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बताया। और दूसरा जो बताया वो थोड़ा सा एक अग्रेसिव और एक अटैकिंग मोड में वो चले गए, जहां पर उन्होंने बताया कि नॉर्मली ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फ्रॉड करते हैं, जैसे हमने देखा है, चाहे माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उन्होंने बताया कि वो इस तरीके के स्कैम्स को पहले अंजाम देते हैं,
और अल्टीमेटली जब उनका फायदा फूकने वाला होता है, when their cover is about to be broke, तो वो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं. तो ऐसा ना हो और इस पर ज्यादा समय उनको ना मिल पाए, इसीलिए विवेक बिंद्रा को बेसिकली वो रेफर करते हुए बोल रहे थे. तो उसके लिए उन्होंने एक हैशटैग चलाया है जो है स्टॉप विवेक बिंद्रा. तो वो बड़ा उन्होंने जोर शोर से प्रमोट किया है और अपील कर रहे हैं, वो अपील करते पाए जा रहे हैं ऑडियंसेस जो उनके सामने बैठी है, एज वेल एज जो ऑनलाइन उनको देख रहे हैं, कि आप उसको हैशटैग को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोशल मीडिया पे चलाएं. और सोशल मीडिया में भी आरबीआई के जो पेजेस हैं स्पेशली और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, तो उसमें तो सबसे ज्यादा आप फैलाएं उन पेजेस में. हाँ, तो मतलब अब तो वो इस लेवल पे आ गए हैं कि वो लिटरली ये न सिर्फ इंसिन्यूएट कर रहे हैं बल्कि डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू एब्सॉन्ड, कि वो भगोड़े ही बच जाए, फरार हो जाए इस सारे स्कैम को करके. और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा उन्होंने ऐलान अभी किया है वो मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक था पूरे पूरे वीडियो का. देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे आगे अनफोल्ड होता है, क्योंकि उनका कहना है कि अब वो जो मोस्ट रिप्यूटेड फर्म होगी, लॉ फर्म जो होगी इंडिया की, उसको हायर करना चाहते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए वो इस पूरी कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गए, पिवोटल पार्ट बन गए. तो उन्होंने ऑफर किया है लोगों को ये एज हेल्प और सपोर्ट, कि आप मेरे से भी जुड़िए और मुझसे जितना हो सकेगा लॉ फर्म को मैं हायर करूंगा, जिसके लिए मुझे जो पैसा लगेगा, एंड ऑब्वियसली दिस थिंग्स आर नॉट चीप. तो उनका कहना है कि वो मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं अपने चैनल पे फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो जिससे कि वो एक पूल ऑफ मनी वहां से जनरेट कर सके और उसको इस कॉज के लिए यूज करें और उसके बाद वो बंद कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा. तो देखो, वाइल इट अपीयर्स टू बी अ मास्टर स्ट्रोक ऑन द फेस ऑफ इट, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहां से कहां जाए. हाँ बिल्कुल अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि जैसे चेस खेलते हैं ना, तो आप जो भी वीडियो देखते हैं अभी, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट आएगा विवेक बिंद्रा का, वो भी कोई हल्का वीडियो मत समझना. उसका जो रिप्लाई दिया जाएगा और जिस लेवल का और जो जो चीजें उसमें भी खुलासा की जाएंगी, वो भी एक बहुत बड़े लेवल की हो सकती हैं, है ना. तो बिल्कुल एक गेम ऑफ चेस है और इसमें कौन जीतता है कौन हारता है वो भाई देखना पड़ेगा. लेकिन हाँ ये है कि इसमें मैं ये तो कहूंगा कि ऑडियंस हार गई कहीं ना कहीं. जो लोग इनसे इतना इंस्पायर होते थे, इतना मोटिवेट होते थे, अब जो ये लेयर्स खुल रही हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जो इन्होंने आज बातें बताई उससे काफी लोगों को अंदर की सच्चाई पता चली होगी लोगों की, चीजों की. अब विवेक बिंद्रा जो है वो बनाएंगे वीडियो, उससे इनके बारे में कोई चीज कहेंगे, तो ठीक है. मतलब सबका अपना अपना तरीका है डिफेंड करने का, लेकिन जो लोग इतने सालों से इनको चेज कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो चाम थोड़ा कम हो गया. हाँ, लेकिन देखो अल्टीमेटली अगर ऑडियंस हारी है जस्ट बिकॉज यू नो ऑडियंस लुक्स अप टू दीज आइकॉन्स ऑफ यू नो मोटिवेशन एंड सो ऑन, तो वहीं पर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी मैं देखता हूँ, एटलीस्ट फॉर दोस Who do not know better, जो लोग फंस रहे थे और जिन लोगों ने हार मान ली थी कि अब तो उनका पैसा भी गया, भरोसा भी गया, एटलीस्ट उनके लिए एक रे ऑफ होप तो खोल ही दी है संदीप माहेश्वरी ने. और बड़े तेज तरवार तरीके से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वो कहते नजर आए हैं कि तुझे जो करना है कर ले, मतलब लिटरली तू तड़ाक पे आ गए हैं वो और कौन अग्रेसिव भी उनको बोल रहे हैं कि मैं दबने वाला नहीं, जो करना है कर ले. तो देखो इंटरेस्टिंग है ये देखना कि जस्ट अहेड ऑफ विवेक बिंद्राज अपकमिंग मूव्स जो उन्होंने अनाउंस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं एक हफ्ते में कुछ बड़ी पोल खोलने वाला हूँ, सो ऑन, इन्होंने बहुत ज्यादा लेयर्स जो मैं वो खोल के रखती हैं, ना सिर्फ विवेक बिंद्रा की पर्सनली बट ऑल्सो उनके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड लीगल कॉनोटेशन जो मैं वो बताई है. तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे यहाँ से कहा जाता है. ये क्विक वीडियो था, इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था जो हम चाहते थे कि जल्दी कवर करें और आप लोगों तक पहुंचाएं. फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट्स में हमसे शेयर कीजिए आपकी क्या ओपिनियंस हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है,
क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इन पर्टिकुलर इश्यूज पे जो आज संदीप माहेश्वरी ने उठाए हैं कुछ क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, या संदीप माहेश्वरी को अपने बिजनेस मॉडल के बारे में और कोई क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? मुझे लगता है काफी उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, तो वो सब आप हमसे शेयर कीजिए और बने रहिए इस पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। Until then, keep unlocking the 2.0.